नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। आइए आज बिहार के 15 बड़ी खबरों को जानते हैं। दोस्तों, वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल पूछा जाएगा, जो भी उस सवाल का सही सही जवाब देंगे उनको बिहारी मीडिया की ओर से एक लकी प्राइज जीतने का मौका मिलेगा। साथ ही आप हमें कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं, और आपके तरफ से एक प्यारा लाइक इस वीडियो को जरूर कर दें। बिहार कैबिनेट की तीसरी बैठक, चार विभागों में मिलेगी नई नौकरियां, भर्तियों को हरी झंडी। बैठक में कुल 13 एजेंडों पर लगी मुहर। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की तीसरी बैठक हुई। इसमें कुल 13 एजेंडों पर मुहर लगी है। बैठक में लिए गए कई फैसलों में कुल 205 पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई है। न्याय मंडल गया, कटिहार, मधुबनी, नवादा, वैशाली, सुपौल के अधीन क्रमशः अनुमंडलीय न्यायालय निमचक, बथानी, मनिहारी, फूल परास, जयनगर, रजौली, महुआ, निर्मली और त्रिवेणीगंज सबजगंज न्यायालय के लिए विभिन्न कोटि के 128 अराजपत्रीय कर्मियों के पदों को सृजन की स्वीकृति दी गई है। किसान आंदोलन का डर, नीतीश सरकार ने धान खरीदने के लिए SFC को 6000 करोड़ रुपए दिए, सहकारी बैंक को 3000 करोड़। देश भर में किसानों के आंदोलन का बिहार में असर हुआ है। नीतीश सरकार ने किसानों से धान खरीद के लिए अपनी एजेंसी स्टेट फूड कॉरपोरेशन को 6000 करोड़ रुपए देने का फैसला लिया है। सरकार कह रही है कि इस पैसे से किसानों का धान खरीदने के बाद तत्काल भुगतान कर दिया जाएगा। नीतीश कैबिनेट की मंगलवार को हुई बैठक में यह फैसला लिया गया है। सरकार ने फैसला लिया कि स्टेट फूड कॉरपोरेशन यानी SFC को 6000 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाए। SFC ये पैसे बैंकों से कर्ज लेगी, लेकिन बैंकों को कर्ज वापसी की गारंटी बिहार सरकार लेगी, लिहाजा SFC को आसानी से कर्ज मिल सकेगा। सरकार का मानना है कि SFC के पास 6000 करोड़ रुपए आने के बाद किसानों को उनकी फसल का भुगतान तत्काल हो सकेगा। सरकार ने बिहार राज्य सरकारी बैंक लिमिटेड को भी 2500 करोड़ रुपए लोन लेने के लिए गारंटी दी है। ये पैसा भी किसानों से फसल खरीद में खर्च होगा। CM ने श्रम संसाधन और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की विभाग के साथ की समीक्षा बैठक। मेगा स्किल सेंटर जल्द खोलने का दिया निर्देश। एक अन्य मार्ग में CM नीतीश कुमार ने श्रम संसाधन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की विभाग के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान CM ने बिहार में मेगा स्किल सेंटर जल्द खोलने का निर्देश दिया है। CM नीतीश कुमार ने समीक्षा बैठक के दौरान पॉलिटेक्निक कॉलेजों में सेंटर ऑफ एक्सीलेशन बनाने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही युवाओं के लिए बेहतर तकनीकी परीक्षण का व्यवस्था करने का भी निर्देश अधिकारियों को दिया है। समीक्षा बैठक के दौरान श्रम संसाधन विभाग के सचिव मिहिर कुमार सिंह ने आत्मनिर्भर बिहार के साथ निश्चय पार्ट 2 के तहत विभाग से जुड़ी परियोजना की जानकारी दी। मिहिर कुमार सिंह ने बताया कि ITI को सेंटर ऑफ एक्सीलेशन बनाना, नए कोर्सेज ट्रेड्स इंडोसिस कराना, नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन की स्थापना, सभी जिलों में मेगा स्किल सेंटर बनाना और विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी गई। पर्यटन विभाग ने शुरू किया टूर पैकेज, 600 में करें नालंदा, राजगीर, पावापुरी और बोधगया की सैर। कोरोना संकट के इस काल में लंबे समय तक बंद रहने के बाद अब पर्यटन भी धीरे धीरे खुलने लगा है। एक बार फिर से बिहार राज्य पर्यटन निगम भी पर्यटकों के लिए टूर पैकेज चालू करने जा रहा है। कोरोना काल में लंबे समय से बंद रहे नालंदा, राजगीर, पावापुरी, गया और बोधगया के लिए पर्यटक टूर पैकेज को चालू करने का ऐलान किया गया है। 25 दिसंबर से टूर के लिए बुकिंग शुरू होगी। इसके लिए 600 रुपये प्रति व्यक्ति शुल्क देना होगा। टूर की शुरुआत 2 जनवरी से शुरू होगी। ये एक दिन का पैकेज है और टूर पटना से शुरू होकर वापस पटना में खत्म होगा। टूर के लिए बस या टेबल होटल कौटिल्य बिहार से रवाना होगी। नए साल में गंगा की लहरों पर जश्न, लोगों के लिए फिर से खुलने वाला है फ्लोटिंग रेस्टोरेंट MB गंगा बिहार। जी हां, गंगा की लहरों के बीच नए साल में लोग जश्न मना सकेंगे। दरअसल फिर से महात्मा गांधी घाट पर फ्लोटिंग रेस्टोरेंट में पार्टी करने का मौका मिलने वाला है। पर्यटन मंत्री जीवेश कुमार ने विभागीय समीक्षा के दौरान फ्लोटिंग रेस्टोरेंट को जल्द खोलने का निर्देश दे दिया है। पर्यटन मंत्री ने एक सप्ताह में रिपोर्ट भी तलब की है। मंत्री ने अधिकारियों से पूरी रिपोर्ट मांगी है ताकि
रेस्टोरेंट शुरू करने पर फैसला लिया जा सके। बिहार की राजधानी पटना का फ्लोटिंग रेस्टोरेंट सालों से बंद पड़ा है। इसको लेकर पहले भी टेंडर की प्रक्रिया हुई है, लेकिन विभागीय स्तर पर किसी तरह की पहल नहीं हुई। इस कारण फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का परिचालन ठीक से नहीं हो सका है। अब नई सरकार के गठन के बाद विभागीय बैठक में हुई है। उम्मीद जताई जा रही है कि पर्यटन मंत्री की कोशिश के बाद फ्लोटिंग रेस्टोरेंट फिर से शुरू हो जाएगा। जनवरी फरवरी में बोर्ड की परीक्षा संभव नहीं, शिक्षा मंत्री। जी हाँ, शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि जनवरी या फरवरी में बोर्ड की परीक्षा नहीं होगी, बाद में एग्जाम आयोजित किया जाएगा। देश भर के शिक्षकों के साथ ऑनलाइन संवाद करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा, 15 फरवरी से मार्च मध्य तक परीक्षा होती थी, जो परिस्थितियाँ है जनवरी फरवरी में ये परीक्षा संभव नहीं है। उन्होंने कहा, फरवरी के बाद हम परीक्षा कब करवाएंगे इस पर हमें और विचार विमर्श करने की जरूरत पड़ेगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सीबीएसई बोर्ड परीक्षा की। आपको बता दें कि इससे पहले सीबीएसई ने एक स्पष्टीकरण जारी करके कहा था कि सीबीएसई बोर्ड 10th 12th एग्जाम 2021 को अंतिम रूप देना अभी बाकी है। बिहार में अब आप भी खोल सकते हैं ड्राइविंग स्कूल, परिवहन विभाग करेगी आर्थिक मदद, जाने शर्तें। जी हाँ, बिहार के आम लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। उन्हें ड्राइविंग के लिए प्रशिक्षित होने के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। विभागीय निर्देश के आलोक में व सड़क सुरक्षा समिति के अनुरोध पर बिहार के सभी जिलों में ड्राइविंग स्कूल खोलने की अनुमति मिली है। इसके तहत बड़े जिलों में आबादी के अनुसार 3, फिर 2 और छोटे जिलों में 1 ड्राइविंग स्कूल खोले जाएंगे। यह ड्राइविंग स्कूल जिले में अन्य स्कूल की ही तरह होगा, लेकिन फायदे की बात यह है कि इसका संचालन निजी हाथों में होगा। इसीलिए जो भी ड्राइविंग स्कूल खोलने को इच्छुक होंगे वे जिला परिवहन कार्यालय में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की समीक्षा जिला परिवहन पदाधिकारी सर नोडल पदाधिकारी करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि कार्यालय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अररिया में एक ड्राइविंग स्कूल खुलेगा, जिसका क्षेत्रफल कम से कम 2 एकड़ का निर्धारित किया गया है। चयनित होने वाले संचालक को 20 लाख रुपए का अनुदान परिवहन विभाग के द्वारा दिया जाएगा, लेकिन ड्राइविंग स्कूल के संचालक को अपने निजी वाहन रखने होंगे, जिससे वे प्रशिक्षण दिलाएंगे। अब हर सप्ताह एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में होगा बदलाव, जाने पूरा मामला। तेल कंपनियां अब हर सप्ताह एलपीजी सिलेंडर की कीमत की समीक्षा करेंगे। समीक्षा में सिलेंडर की कीमत घटाने या बढ़ाने पर निर्णय लिया जाएगा। सूत्रों की मिली जानकारी के अनुसार सार्वजनिक तेल कंपनियां इसकी तैयारी में जुटी है, साथ ही वितरक के प्रबंधक भी अपने स्तर पर तैयारी में जुटे हैं। उल्लेखनीय है कि इसके पहले एलपीजी सिलेंडर की कीमत माह में एक बार तय होती थी। तेल कंपनियों के कार्यों के माने तो यह प्रावधान कंपनी को हो रहे घाटे को कम करने के लिए शुरू किया जा रहा है। वैसे पिछले माह तक गैस की कीमत कम होती थी तो पूरे एक माह तक कंपनी को नुकसान उठाना पड़ता था, लेकिन नई व्यवस्था लागू होने के बाद एक सप्ताह के बाद ही उस पर काबू पाया जा सकता है। बिहार के 30 शहरों में 2184 करोड़ के प्रोजेक्ट मार्च पूरा होगा। जी हाँ, राज्य में अटल नवीनीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन के तहत अगले वर्ष मार्च तक लगभग 30 शहरों में वाटर सप्लाई की योजनाएं पूरी हो रही है। अधिकतर शहरों में इस वर्ष दिसंबर तक लक्ष्य के अनुसार काम पूरे होने की स्थिति में आ गए हैं, जबकि कई जगहों पर पाइपलाइन बिछाने का कुछ काम बाकी है। इन शहरों में अमृत मिशन के तहत वाटर सप्लाई पर लगभग 2184 करोड़ की राशि खर्च होनी है। इन शहरी निकाय में 50 से अधिक प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। न्यू ईयर 2021 की पार्टी घर पर करनी होगी, मंदिर जाने पर भी लग सकती है रोक, पढ़े लेटेस्ट अपडेट। जी हां, नए साल के जश्न पर कोरोना का खौफ जारी है। खुशियां मनाने को जुटने वाली भीड़ को देखते हुए मुख्य स्थान पर होने वाले आयोजन पर फुल स्टॉप लग गया है। प्रशासन को सरकार के आदेश का इंतजार है। प्रशासन की ओर से कोई गाइडलाइन नहीं आई है। अब तक के निर्देश के अनुसार बिहार के प्रमुख पर्यटक स्थल थावे में माँ सिंहासिनी के दर्शन व जंगलों में पिकनिक मनाने पर रोक रहेगी। नव वर्ष के मौके पर हथवा के गोपाल मंदिर सवैया हवाई अड्डा पर भी युवा पिकनिक मनाने के लिए भीड़ लगाते हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोरोना संकट के कारण नव वर्ष के उत्सव भी भारी पड़ रहा है। 31 दिसंबर की शाम से 1 जनवरी की भोर तक शहर में होने वाले हलचल खामोश रहेगी। होटल, रिजॉर्ट, रेस्टोरेंट तथा मैरिज हाउस में होने वाली पार्टियां इस बार नहीं होगी। लाउड म्यूजिक पर भी थिरकने की हसरत भी पूरी नहीं होगी।
गया और पटना के बाद अब बिहार शरीफ कोर्ट में कंगना रनौत के खिलाफ परिवाद दायर। जी हां, गया और पटना के बाद अब कंगना रनौत पर बिहार शरीफ में भी परिवाद दायर हुआ है। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष सोनू कुशवाहा ने मंगलवार को बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत, ट्विटर इंडिया के डायरेक्टर मनीष महेश्वरी और मेसर्स महिला कॉल के विरुद्ध व्यवहार न्यायालय में परिवाद दर्ज किया है। सोशल मीडिया पर उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर समता पार्टी के नेता कार्यकर्ता नाराज चल रहे हैं। इससे पहले पटना और गया के सिविल कोर्ट में भी मुकदमा दायर किया गया था। जिला अध्यक्ष सोनू कुशवाहा ने कहा कि बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान ली गई तस्वीर पर हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा की तस्वीर पर आजाद कश्मीर लिखकर अभद्र टिप्पणी की थी। इस तरह का प्रयास हमारी पार्टी की छवि को धूमिल करती है, इसलिए परिवाद दर्ज कराया गया है। ग्रेजुएशन कर रही छात्राओं को मिल सकते हैं 25,000 रुपए हर साल, ऐसे करना होगा आवेदन। जी हां, भारत में महिला शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए केंद्र सरकार ने विभिन्न योजनाएं चलाई है। केंद्र के साथ ही बिहार सरकार भी महिला शिक्षा के विकास के लिए जरूरी कदम उठा रही है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि धन के अभाव में महिलाओं को अपनी पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ती है। इस तरह की परिस्थितियों में सरकार द्वारा दी जाने वाले छात्रवृत्ति का महत्व बहुत बढ़ जाता है। इसी दिशा में बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना से महिला विद्यार्थियों को प्रोत्साहन देने का प्रयास किया गया है। महिला शिक्षा के विकास में इस योजना का महत्वपूर्ण योगदान है। इस योजना के अंतर्गत अभ्यर्थियों को 20,000 रुपए की मदद दी जाएगी। इस योजना का लाभ पाने के लिए अभ्यर्थियों को बिहार का निवासी होना अनिवार्य है, अभ्यर्थी लड़की होना चाहिए, अभ्यर्थियों को स्नातक की विद्यार्थी होना अनिवार्य है। साथ ही इसके लिए जरूरी दस्तावेज शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बैंक खाता जानकारी, आधार कार्ड, शैक्षणिक कोर्स की रसीद, पासपोर्ट साइज फोटो जिसे आप edu.dbt.bihar.nic.in पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं। 8,000 से ज्यादा मुखिया के पदों पर होगा इलेक्शन, जाने कितनी है सरपंच की सीट। बिहार में पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। आयोग के अनुसार राज्य में पंचायत चुनाव के दौरान 6 पदों के लिए चुनाव होंगे। इनमें मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, पंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्यों के लिए पद शामिल है। राज्य में 8,387 ग्राम पंचायतों के मुखिया पदों के लिए आम चुनाव कराए जाएंगे। वहीं 8,387 सरपंच पदों के लिए भी चुनाव होंगे, जबकि वार्ड सदस्य के लिए 1,14,667 पदों और पंच के लिए 1,14,667 पदों के लिए उम्मीदवार चुने जाएंगे। पंचायत समिति के 11,491 और जिला परिषद सदस्य के लिए 1,161 पदों के चयन के लिए मतदाता अपना मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। तेजस्वी के बिहार में मध्यावधि चुनाव वाले बयान पर सियासत हुई तेज। जीतनराम मांझी बोले, चुनाव तो होंगे लेकिन विधानसभा चुनाव नहीं, उपचुनाव। जी हां, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बिहार में मध्यावधि चुनाव वाले बयान को लेकर अब सूबे की सियासत गरमाने लगी है। पूर्व मुख्यमंत्री और हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतनराम मांझी ने तेजस्वी यादव के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि चुनाव होने की भविष्यवाणी से मैं पूरी तरह सहमत हूं, पर वह उपचुनाव होगा न कि विधानसभा चुनाव। राजद और कांग्रेस के कई विधायक हमारे साथ है, इन सभी के हमारे साथ आने पर तो उपचुनाव होंगे ही। मांझी ने कहा कि 14 जनवरी तक इंतजार करें और फिर देखिएगा कि किन किन सीटों पर उपचुनाव होंगे। और अंत की बड़ी खबर, 94,000 प्रारंभिक शिक्षक भर्ती के लिए मेरिट सूची 26 दिसंबर तक। बिहार के 71,000 प्रारंभिक विद्यालयों में रिक्त पड़े 94,000 पदों पर 1.5 साल से चल रही नियुक्ति प्रक्रिया शीघ्र ही पूरी की जाएगी। शिक्षा विभाग ने काउंसलिंग और नियोजन पत्र वितरणों को छोड़कर सभी शेष कार्य को अंजाम तक पहुंचाने के लिए सोमवार को शेड्यूल भी जारी कर दिया। इसके तहत सभी नियोजन इकाइयों द्वारा मेगा सूची का प्रकाशन करते हुए 26 दिसंबर तक NIC के पोर्टल पर इसे अपलोड करने का निर्देश दिया है। साथ ही आपको बता दें कि प्रकाशन के बाद 28 दिसंबर से लेकर 4 जनवरी तक मेगा सूची पर आपत्तियां की जा सकेगी। आपत्ति NIC के पोर्टल पर ऑनलाइन प्राप्त की जाएगी। आपत्तियों का निराकरण कर मेगा सूची का अंतिम प्रकाशन 4 जनवरी से 10 जनवरी 2021 के बीच करते हुए इसे NIC के पोर्टल पर अपलोड करना होगा। आज के लिए आपका सवाल, बताएं कि बिहार राज्य में बनने वाले प्रथम मुख्यमंत्री का क्या नाम है। इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।